अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है क्योंकि ये जंगल अकेले 21% ऑक्सीजन रिलीज करता है और सालाना ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। वैसे तो अमेजॉन जंगल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में एक खोया हुआ शहर भी है। इस शहर को खोजने की कोशिश में कई लोग लापता हो गए, लेकिन कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने अमेजॉन जंगल के नीचे अद्भुत और चौंका देने वाली चीजों की तलाश की है। क्या ये अमेजॉन में बसे हुए प्राचीन शहर के अवशेष हैं, जिन्हें खोजने की कोशिश कई साल से की जा रही थी? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अमेजॉन जंगल में मिला प्राचीन शहर। वैसे तो अमेजॉन जंगल अपने आप में बहुत ही विचित्र है, जो आकार में इतना बड़ा है कि इसकी सीमाएं ब्राजील से लेकर साउथ अमेरिका, पेरू, बोलीविया और कोलंबिया जैसे 9 विभिन्न देशों से मिलती हैं। अमेजॉन जंगल की कुछ जगहों पर इंसान को जाने की अनुमति है, तो वहीं कुछ जगहों पर जहरीले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की वजह से प्रवेश वर्जित है। यही वजह है कि कोई भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता साफ तौर से ये नहीं बता सकता है कि अमेजॉन जंगल के अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि ये जंगल अपने आप में किसी अनसुलझी गुत्थी की तरह मालूम पड़ता है। 1920 के दशक में ब्रिटिश खोजकर्ता और दर्शन शास्त्री पर्सी हैरिसन फॉसेट ने अमेजॉन जंगल को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि यहाँ एक प्राचीन शहर छिपा हुआ है जो इंसानी सभ्यता से जुड़े बड़े रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। अपने इस दावे को सही साबित करने के मकसद से पर्सी हैरिसन ने अपने बेटे जैक और एक टीम के साथ अमेजॉन जंगल में खोजी अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत वो जेड नाम के प्राचीन शहर को खोजना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि हैरिसन की तलाश पूरी हो पाती, साल 1925 में एक दिन वो अपने बेटे जैक के साथ अचानक से गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि हैरिसन और उनका बेटा जैक कहाँ गया और क्या उन्हें कभी जेड नाम का खोया हुआ प्राचीन शहर मिला था या नहीं, जिसके बाद बीतते समय के साथ अमेजॉन जंगल में छिपे हुए शहर की बात धीरे धीरे लोगों के जहन से गायब होने लगी और वो इस मुद्दे को भूल गए। लेकिन इतने सालों बाद एक बार फिर जेड शहर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अमेजॉन के जंगल में 22 मीटर लंबा पिरामिड मिला है और ये पिरामिड अपने अस्तित्व को लेकर चीख चीख कर बहुत कुछ बयां करने की कोशिश कर रहा है। यूं तो अमेजॉन जंगल में अभी भी बहुत सी जनजातियां रहती हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है और ना ही ये लोग बाहरी लोगों से बातचीत करना या फिर उनसे मिलना जुलना पसंद करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इतने घने जंगल में ऐसी जनजातियां रह सकती हैं, तो आज से कई साल पहले जेड सिटी के अस्तित्व में होने की बात को पूरी तरह से नकारना गलत होगा। अमेजॉन जंगल में ऐसे बहुत से पेड़ पौधे और औषधियां हैं जिनका यूज कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही वैज्ञानिक समय समय पर अमेजॉन जंगल की मिट्टी और पेड़ पौधों को लेकर रिसर्च करते रहते हैं, ताकि वो घातक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए नई और प्रभावी दवाइयों को बनाकर तैयार कर सके। शुरुआती दौर में अमेजॉन जंगल इतना घना हुआ करता था कि इसके अंदर क्या कुछ छिपा है इसका सटीक पता नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन बीते कुछ सालों में अमेजॉन जंगल को काफी तेजी से काटा जा रहा है, ताकि खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन तैयार की जा सके। अमेजॉन जंगल की कटाई की वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा साफ तौर से इंसानों की आंखों के सामने आया है, जो प्राचीन लॉस्ट सिटी को खोजने में मददगार साबित हुआ है। दरअसल इस खोज में वैज्ञानिकों को कंबोडिया वाले क्षेत्र में बड़ी बड़ी खाइयां और प्राचीन संरचनाएं देखने को मिली हैं, जिनके किनारों को 3 फीट ऊंची दीवारों से कवर किया गया था। इसके अलावा कुछ संरचनाओं में मिट्टी, कोयला और औजारों जैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो किलेबंदी और सामूहिक घरों की तरफ इशारा करती हैं। माना जाता है कि इस इलाके में उस समय 60,000 से ज्यादा लोगों की आबादी रहती थी, जो किसी भी यूरोपीय शहर की आबादी के बराबर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अमेजॉन जंगल के ऊपरी हिस्सों में मिट्टी ज्यादा उपजाऊ और खेती योग्य थी, जिसकी वजह से प्राचीन समय में उस जगह पर शहर बसाए जाते थे और वहां रहने वाले लोग मांस के साथ साथ खेती करके अपना जीवन बिताते थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि अमेजॉन जंगल के ऊपरी हिस्से बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है और ना ही वहाँ की मिट्टी खेती करने योग्य होगी, लेकिन बीते कुछ सालों में अमेजॉन जंगल के उन इलाकों में बहुत ही चौंकाने वाली चीजों की खोज की गई है।
इतना ही नहीं, इस खोज की शुरुआत 1500 के दशक से हो गई थी, जब एक स्पेनिश खोजकर्ता अमेजॉन जंगल और उसके रिवर सिस्टम को नजदीक से समझने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अविश्वसनीय शहरों, विकसित कलाकृतियों और मूर्तियों की मौजूदगी का जिक्र किया था, जबकि उन्होंने ये भी दावा किया था कि उस जगह पर लाखों लोग एक सांस्कृतिक समूह के रूप में रहते थे। लेकिन उस दौर में किसी ने भी उनकी बात पर यकीन नहीं किया, और जब 100 साल बाद कुछ यूरोपीय खोजकर्ता उस जगह पर गए तो उन्हें प्राचीन शहर या कलाकृतियों से संबंधित कोई भी सबूत नहीं मिले थे। अमेजॉन जंगल में प्राचीन शहर की खोज करने वाले समूह दो अलग अलग भागों में बट गए। एक समूह का मानना था कि वहां इंसान रहते थे, वहीं दूसरा समूह इस दावे को सिरे से खारिज करता था। लेकिन इसके बावजूद भी अमेजॉन जंगल के विभिन्न इलाकों में प्राचीन शहर को खोजने का काम जारी रहा, जिसके तहत वैज्ञानिकों ने जंगल के अलग अलग इलाकों में पनप रहे जीवन को करीब से समझने की कोशिश की। वहीं हाल में अमेजॉन जंगल के जिंगू इंडिजिनस पार्क में एक बहुत ही शानदार नेटवर्क खोजा गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ प्राचीन काल में इंसानी शहर हुआ करते थे। इस नेटवर्क में शहरों को बाहर से दीवारों की मदद से कवर किया गया था, जबकि उन्हें अलग अलग रास्तों के जरिए सेंटर में एक दूसरे से जोड़ा गया था। ये नेटवर्क इस बात को बढ़ावा देता है कि जंगल में कई जगहों पर रहने वाले लोग इन रास्तों को यूज करके सेंटर में एक जगह पर एकजुट हो जाते थे, जिन्हें 800 से 1600 के बीच बनाकर तैयार किया गया था। इसके अलावा इस नेटवर्क में पिरामिड, घर, खेत और खाई के सबूत मिलते हैं, जहां 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ रह सकते थे। इस जगह पर ऐसी मिट्टी भी खोजी गई है जो इंसानों ने बनाकर तैयार की थी और उसकी उम्र हजारों साल पुरानी है। यानी इस बात में कोई शक नहीं है कि इस जगह पर हजारों साल पहले इंसानी बस्तियां हुआ करती थी, जो अपना जीवन यापन करने के लिए खेती पर निर्भर करते थे। उन लोगों ने खेती करने के लिए अमेजॉन जंगल के बीचों बीच उपजाऊ मिट्टी तैयार की थी, ताकि कम समय में ज्यादा और पोषक फसल को उगाया जा सके। बीतते समय के साथ भले ही उन लोगों का अस्तित्व मिट गया, लेकिन उनके द्वारा तैयार किए गए खेत और उपजाऊ मिट्टी आज भी अमेजॉन जंगल को हरा भरा किए हुए है। यही वजह है कि इन इलाकों में घास फूस और पेड़ पौधे आसानी से विकसित हो जाते हैं, जिनकी वजह से अमेजॉन जंगल हरा भरा दिखाई देता है। इस खोज ने ये साबित कर दिया कि अमेजॉन जंगल में सिर्फ छोटे आकार के जनजाति कबीले ही नहीं है, बल्कि एक समय पर इस जगह पर बड़ी आबादी वाले शहर बसा करते थे। इन शहरों में बसने वाले लोग जलवायु और उत्पादन के हिसाब से अपने खाद्य पदार्थों में बदलाव करते रहते थे, जो खेतों में उगने वाली फसलों के अलावा मछली, जंगली फल, नट्स और विभिन्न पेड़ पौधों की जड़ें शामिल थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि उस वक्त यहाँ बसने वाले लोग छोटे पैमाने पर खेती करते थे, जबकि मछली और शिकार के जरिए अपनी शारीरिक भूख और जरूरतों को पूरा करते थे। इसके अलावा वो लोग पत्थर और जानवरों की हड्डियों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे, जबकि इन्हीं चीजों का यूज घर और शहर बसाने के लिए भी किया जाता था। उस दौर में इस जगह पर रहने वाले लोग काफी धार्मिक हुआ करते थे, जो पत्थरों पर अपने देवताओं के चित्र उकेरा करते थे। इसके अलावा वो लोग काल के मामले में भी काफी माहिर हुआ करते थे, जो अपने पूर्वजों को मानने और उनकी पूजा करने पर यकीन करते थे। इतना ही नहीं, इस शहर में रहने वाले लोग ऐसे पौधों का इस्तेमाल करते थे जो इंसान के दिमाग को भ्रमित कर देते थे, और इससे किसी मरीज का इलाज बेहद आसान हो जाता था। ये लोग दोस्ती और रिश्तेदारी में काफी विश्वास करते थे और परिवार को बढ़ाने के लिए विवाह जैसे कॉन्सेप्ट पर भी यकीन करते थे। इस शोध ने लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के दावों को भी सही बताने का काम किया है, जिसे खोजते हुए पर्सी हैरिसन और उनका बेटा जैक अचानक से गायब हो गए थे। हैरिसन का मानना था कि अमेजॉन नदी के आसपास ऐसा कोई प्राचीन शहर है जहां बहुत ही विकसित सभ्यता के लोग रहते हैं। अपने इस दावे को सच साबित करने के लिए हैरिसन और उनके बेटे ने एक टीम बनाई और घने जंगल में शहर को तलाश करने लगे, लेकिन उनके रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने के बाद किसी भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता ने जेड सिटी को खोजने की कोशिश नहीं की थी। वहीं कभी लंबे समय तक हैरिसन को खोजने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्हें आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था।
लेकिन क्या हैरिसन और उनका बेटा जैक सच में मर गए थे, या फिर उन्होंने अमेजॉन जंगल में लॉस्ट सिटी को खोजने में कामयाबी हासिल कर ली थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता आज भी अमेजॉन के घने जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि अमेजॉन जंगल में किसी जमाने में सैकड़ों लोगों की आबादी रहा करती थी और वो एक बड़े शहर के रूप में विकसित भी हुए थे। हालांकि उन सैकड़ों लोगों का अस्तित्व अचानक से कैसे मिट गया, इसे लेकर अभी भी शोधकर्ताओं के बीच टकराव देखने को मिलता है। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के एक समूह का मानना है कि प्राचीन शहरों और वहां रहने वाले लोगों के अस्तित्व को खत्म करने में बाहरी लोगों का अहम योगदान है, जो अपने साथ ऐसी बीमारी और बैक्टीरिया लेकर गए थे जिनसे उन शहरों के लोग अनजान थे। यहाँ हम मान लेते हैं कि अगर हैरिसन और उनके बेटे जैक ने जेड सिटी को खोजने में सफलता हासिल कर ली थी, तो यकीनन उनके बाहरी होने की वजह से जेड शहर के लोग नए बैक्टीरिया के संपर्क में आ गए होंगे। ये बैक्टीरिया शरीर में व्यापक रूप से फैलने की स्थिति में गंभीर बीमारी को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से इंसान का शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है और बीमारी से ना लड़ पाने की स्थिति में उनकी मौत हो जाती है। ये हो सकता है कि जेड सिटी की तलाश में गए विभिन्न खोजकर्ताओं ने अमेजॉन के अज्ञात इन शहरों में अनजाने में बैक्टीरिया रूपी बीमारी फैला दी होगी, जिसकी चपेट में आने से वहां रहने वाले लोगों और शोधकर्ताओं की मौत हो गई थी। इस बात को आप कोरोना महामारी के कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जिसके फैलने से एक साथ लाखों लोगों की मौत हो गई थी और इंसानी सभ्यता खतरे में आ गई थी। वहीं दूसरे दल का मानना है कि अगर अमेजॉन में इतने बड़े शहर और इतनी बड़ी आबादी रहती थी तो उनके सामूहिक अंत के अवशेष क्यों नहीं मिलते हैं? अगर वो लोग सच में किसी बीमारी या प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने की वजह से मर गए थे तो उनके कंकाल या हड्डियों का मिलना बहुत ही आम बात है। लेकिन अमेजॉन जैसे घने जंगल में अब तक इतनी बड़ी संख्या में मानव कंकाल नहीं खोजे गए हैं, जिसकी वजह से कई लोग इस थ्योरी पर पूरी तरह से यकीन नहीं करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि धरती पर ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां इंसानी सभ्यता के रहने के सबूत तो मिलते हैं, लेकिन उनके अंत से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। उन प्राचीन सभ्यताओं द्वारा तैयार किए गए गहने और औजार तो मिल गए, लेकिन उनके मृत शरीर और कंकालों से संबंधित कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया में विभिन्न सभ्यताओं के अस्तित्व को माना गया और उन्हें इतिहास में जगह दी गई। अमेजॉन के प्राचीन शहर को अपने अस्तित्व को बताने के लिए इंसानी कंकालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय में किसी प्राकृतिक घटना की वजह से वो अवशेष गायब हो गए होंगे। अमेजॉन जंगल के आसपास इतनी नदियां और बेसिन हैं कि बाढ़ की स्थिति में कबीले या शहर के निशानों के साथ साथ इंसान और उनके अवशेष भी आसानी से गायब हो सकते हैं, जो पानी के अंदर दलदली रूप मिट्टी में कब के खत्म होने की कगार पर पहुंच गए होंगे। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि खोजकर्ता हैरिसन का जेड सिटी को किया गया दावा काफी हद तक सही था, जिसे अगर समय रहते दुनिया के सामने लाने में कामयाबी मिल जाती तो शायद आज अमेजॉन जंगल का इतिहास कुछ और ही हो सकता था। जंगल नहीं था, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। आज जिस अमेजॉन को हम एक घने और बड़े जंगल के रूप में देखते हैं, वो आज से 15,000 साल पहले अस्तित्व में नहीं था। यानी उस समय अमेजॉन जंगल का ये हिस्सा भूमि का एक सामान्य टुकड़ा था, जहां प्राचीन सभ्यता से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़े शहरों में रहते थे। वो लोग अपने शहर के आसपास खेती करने लायक भूमि तैयार करते थे और फिर फसल उगाकर अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा किया करते थे। लेकिन प्राकृतिक आपदा या किसी रहस्यमय बीमारी के चलते उन लोगों का धीरे धीरे अंत होता चला गया। इंसानों के बनाए गए शहर धीरे धीरे बंजर होने लगे, क्योंकि इंसान की गैर मौजूदगी में घर खंडहर बन गए थे, जबकि उपजाऊ जमीन पर खेती करने वाला कोई भी नहीं बचा था। उन जगहों को प्रकृति ने अपनी गोद में समेटना शुरू कर दिया, जबकि उपजाऊ जमीन होने की वजह से अमेजॉन के उस इलाके में हरे भरे पेड़ पौधों की आबादी लगातार बढ़ती चली गई। जमीन पर ज्यादा हरियाली होने की वजह से अमेजॉन में लंबे समय तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से विभिन्न झीलें और तालाब बनकर तैयार हुए और अमेजॉन एक रेन फॉरेस्ट में तब्दील होता चला गया। इस जंगल को फैलाने में उपजाऊ मिट्टी, बरसात और नमी का विशेष योगदान रहा, जिसकी वजह से दुनिया को एक घना जंगल मिल गया।
ये जंगल इतने व्यापक स्तर पर फैला था कि उसने 9 से ज्यादा देशों की सीमा को अपनी चपेट में ले लिया, जहां पहले से प्राचीन जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। उन लोगों को जंगल में रहने और शिकार करने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी जंगल से बाहर आने की जरूरत महसूस नहीं की। ये जनजातियां और आदिवासी समूह आज भी अमेज़न के विभिन्न इलाकों में रहते हैं, जिनमें से कुछ समूहों ने बीते कुछ सालों में इंसानों के संपर्क में आना शुरू किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो बाहरी इंसानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। इतना ही नहीं, ये लोग जीव जंतुओं का मांस खाने के साथ साथ बाहरी इंसानों का भी शिकार कर लेते हैं और उनके मांस को पकाकर खाने की तरह खा जाते हैं, जिसकी वजह से बाहरी लोगों को इन खतरनाक जनजातियों के करीब ना जाने की सलाह दी जाती है। ये लोग अपनी रक्षा के लिए अमेज़न जंगल में रहने वाले खतरनाक सांप और मेंढक के जहर का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें तीर और भाले की नोक पर लगाया जाता है। अगर ये जहर वाला तीर या भाला किसी इंसान को लग जाए तो उसके शरीर में तुरंत जहर फैल जाता है और चंद मिनटों में इलाज ना मिलने की स्थिति में उसकी मौत तक हो जाती है। ये जनजातियां और आदिवासी कबीले किसी तरह आज भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर शोधकर्ताओं का मानना था कि अमेज़न जंगल में सिर्फ छोटे कबीले और चंद लोग ही रह सकते हैं। लेकिन द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के दावे और उससे जुड़े कुछ अवशेषों की खोज ने वैज्ञानिकों को पुरानी सोच और थ्योरी को बदलने का काम किया है, जिसके बाद ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेज़न में किसी जमाने में एक समृद्ध शहर और हजारों लोगों की आबादी रहती थी। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अमेज़न जंगल को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है और यहाँ कोई शहर था या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।